हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन मेरा बेटा? जी सर, मैं क्या कहते हैं कराची से बात कर रही हूँ आपका। सर जी मेरा बेटू, बताएं क्या मसला है, क्या पूछना चाहती हैं? मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी पति की वजह से ना। बहुत मैंने बेटे उसको औलाद की तरह पाला है माशाल्लाह। पहला उसका झोल यानी कि गब्बन है वो जी प्रेग्नेंट है, तो जी मेरा बाकी बेटू, 7 दिन रह गए बाकी उसके ना डिलीवरी के लिए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इसलिए हूँ कि वो यदि उठ नहीं पा रही है, उसका एक तो थोड़ा सा वेट भी है ओहो हाँ उठ नहीं पा रही है। और यानी उसको डॉक्टरों को, यहाँ के कराची के डॉक्टरों को भी दिखाया, इंजेक्शन वगैरह लगाया था उन्होंने तो। और दूसरा वो एक आज यानी कि सारा दिन से कुछ खा भी सही नहीं रही है ना। अच्छा नहीं मेरा बेटा, उसको असल में वेट कितने बच्चे उसके ज्यादा होंगे? को 3 बच्चे तो हों, 2-3। कौन सी वाली ब्रीड, ब्रीड कौन सी है? सर वो क्या कहते हैं काबुरी नस्ल है, काबुरी हाँ कामोरी तो बड़ी, क्रॉस है हाँ कामोरी बड़ी खूबसूरत होती है वैसे भी जी, माशाल्लाह। वाइट है, वाइट है। अच्छा व्हाइट है वैसे कामोरी, ज्यादा जो है ना दूसरे कलर्ड में भी बहुत जबरदस्त कामोरी नस्ल है, बट इस गुड बड़ी मतलब उठ नहीं, बैठ गई है बिल्कुल। तो कितने दिन रह गए हैं उसको? 7 दिन डिलीवरी के लिए रह गए, 7 दिन रह गए हैं। तो और आप पहला झोल है बच्चा, पहले पहला झोल पहला देगी झोल मेरा बिट्टू, कोई बात जी। नहीं, अल्लाह ताला फजल करेगा। आप उसको इस तरह है, इस वक्त कोई इंजेक्शन, एक थोड़ा सा तकलीफ करके ना, कोई ताकत का एक, वैसे तो आपके वेटनरी की कोई दुकानें या खुली हुई हैं जहां से ये मिल जाते हैं जी टीके? अगर नहीं है तो मेडिकल स्टोर से भी मैं बता सकता हूं कि आप जो इजी आपको हो बताएंगे, मेडिकल आर्मी वो जो वेटनरी वाले हैं उनसे दुकान खुली होगी कोई, दुकानें खुली हुई हैं तो आप एक कैरासिल का इंजेक्शन होता है कैरासिल, हाँ कैरासिल ले लें, या मेरा ख्याल है मेरा बेटा, कहाँ आप जाएंगी, मैं यहाँ आम मेडिकल स्टोर से मैथी कोबाल मिन, मैथी कोबाल की का इंजेक्शन मिल अच्छा जाएगा, ठीक है? जो इंसानों को लगता है उतनी ही मकदार में इसको एक वायल लगा दे बिस्मिल्लाह करके, मैथी कोबाल अच्छा का, मैथी कोबाल का। सर ये प्रेगनेंसी में कोई मसला तो नहीं होगा? मेरा बेटा मैं वो इंसान हूं जो प्रेगनेंसी मैं कभी रिस्क नहीं लेता, समझ गए? ये ताकत वाली चीज है, ये जस्ट इमेजिन के कोई ताकत वाली अगर चीज दी जाए और ना उठ रही हो, थोड़ी उसमें ताकत आ जाएगी, जान आ, आप नहीं चाहती कि उठे? जी, जरूर सर, मैं तो उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, उसकी हाँ वजह तो से मेरा कराची से बेटा लेकर मैं आती आपकी परेशानी बांटने के लिए कर रहा हूं, अगर हूँ जी। आप समझती हैं कि हो सकता है कि ये ताकत का इंजेक्शन लगाने से वो कोई गड़बड़ हो जाएगी तो ना लगाएं मेरा बेटा, कोई जरूरत नहीं है उसको, कुछ खिलाएं पिलाएं भी ना बिल्कुल। अगर वो आप समझती हैं कि उसको खाने से, अगर मैं आपको कहूं कि इस वक्त उसको कोई मल्टी वाइटामिन का एक मिल जाते हैं, मैथी कोबालमिन के अलावा आपको पाउडर मिलेगा, कैल्शियम का कोमी कैल्सी वेट पाउडर मिलेगा, हेलो कोमी कैल्सी वेट पाउडर मिल जाए तो वो आप 10 cc वो उसको वो दे दें, ठीक है मेरा बेटा? क्या वजह, क्या ये गाल कट गई है, क्या चक्कर हुआ है? आपको यही बता रहा था कि मेरा बेटा ताकत वाली चीज से कोई चीज गड़बड़ नहीं हो सकती, एंटीबायोटिक वगैरह अगर इंजेक्शन लगवाया जाए तो वो नुकसानदेह है, अगर इसको अगर ताकत देंगे कि वो खड़ी हो जाए तो मेरा बेटा कभी इनकार नहीं करते
और मैं वो आदमी हूं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। आखिरी महीना और पहला महीने में कभी मैं कोई एंटीबायोटिक नहीं सजेस्ट करता, लेकिन ताकत वाले इंजेक्शन आपको देना पड़ेगा अगर आप मेथी को बराबर चाहती हैं। अगर नहीं चाहती तो, अगर परेशानी में इजाफा करना चाहती हैं तो भले ना लगाएं। कौन से चीज के? मैं कैरासिल के, कैरासिल के मेथी कुबाल के। चलें वो कैरासिल देख लें, एक एमी जो जानवरों के लिए होता है, एमी वाई कॉम एक का मिलता है, वो एक ताकत वाला है। हाँ जी, 5 cc का आप लगा दें उसको, मेथी कुबाल मिन का। नहीं तो आप इस तरह करें इसको, और साथ इसको खाने के लिए कौमी कैल्सी विट मिलता है, ये पाउडर मिलता है, वो 20 ग्राम वो दें इसको। हाँ, कौमी कैल्सी विट पाउडर ले आए, कैल्शियम का है। आपके टेलीफोन को क्या गड़बड़ हो रही है? किसको प्रॉब्लम? क्या? जी, चले मैं इसको इस तरह कर देता हूँ मेरा बेटा आपके लिए, कि इसको मैं अभी से, ये रिकॉर्ड तो हो रहा है, और मैं इसको मूवी मेकर में जाके इसको मोबाइल इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें से देख लेंगे क्या मैंने कहा है आपको। अगर तो व्हाट्सएप पे कीजिएगा। अगर व्हाट्सएप पे प्लीज मैथी कुबाल मिन अगर उसका इंजेक्शन अभी लगाएंगी तो बहुत फायदेमंद है। अगर नहीं, आप समझती हैं कि नहीं उसके तो कोई फायदा नहीं है, तो भले ना लगाएं मेरा बेटा। MEY-COM एक मिलते है इंजेक्शन, वो जानवरों का है। MEY-COM लगा लें, कैरासिल लगा लें 5 cc का, वो ये ताकत वाले मैं बता रहा हूँ। साथ इसको एक, हाँ जी, कौमी कैल्सीविट पाउडर मिलता है, वो आप ले आए 20 ग्राम, उसको गुड़ में मिला के या शक्कर के मिला के अभी दे दें उसको। कौमी कैल्सी वेट, पाउडर होता है कौमी कैल्सी, कैल्शियम भी होता है उसमें, फास्फोरस भी होती है, और जिस तरह DCP पाउडर नहीं होता, इसमें थोड़े विटामिन्स होते हैं, ताकत वाला होता है, इस वक्त जरूरत है उसको। एक मेरा बेटा मेथी कुबाल मिन जो है, मैंने कहा ना अभी एक लगा दें, कल भी एक लगा दें, परसों भी लगा दें, सिर्फ 3 दिन। अगर आप जहमत कर सकती हैं तो कर दें, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से इंशाल्लाह सर, आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मेरा बेटा। सर दो उसको खाना नहीं खा रही, उसको क्या दूं मैं, वो और फ्रूट जब में क्या दे सकती हूँ? उसका ठीक होएगी, उसे ताकत आएगी, आप उसको थोड़ा बहुत, आप कार्मिनेटिव मिक्सचर थोड़ा सा ले आए, वो कोलिक होता है, कोलिक नाम का वो बॉटल ले आए, वो थोड़ा सा इसको, वो भी 10 cc 20 cc पिला दें। उससे यह है कि उसकी भूख थोड़ी बढ़ेगी और उसका हाजमा थोड़ा सेट हो जाएगा, तो वो खाना शुरू कर देगी। ठीक है? हाँ, जी सर। ये मेरी चलिए मेरा सर, जी बेटा, सर माजरत के साथ सर, ये मैंने उसको वो ग्राई वाटर भी दिया था ना, तो ग्राई वाटर देता हूँ तो हाँ, उसके बाद वो थोड़ा बहुत खाने लग जाता है। ग्राई वाटर इज इक्वली गुड, यू नो, वो भी एक किस्म का, वो भी हाजमे वाला ही होता है ना, वो बच्चों को देते हैं, तो इस तरह वो दे दें। अगर आपके पास ग्राई वाटर है तो वो दे दें, ना हो तो कोलिक को ले आए। कोलिक कोई महंगा भी नहीं है, 80 रुपए की एक बॉटल मिल जाएगी, ये कार्बोनेटेड मिक्सचर होता है, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इंसान घर में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप वो करें। और साथ में आपको जो स्टॉमिक पाउडर कहता हूं, वो आपने बना के रखा हुआ है? नहीं सर, वो आज तक दिया नहीं है।
कभी ऐसी जरूरत नहीं महसूस हुई मुझे, आपको। मतलब मुझे इस बारे में मालूमात चले ठीक है, अगर आप देखें प्रोग्राम्स तो उसमें मैंने एक बाकायदा स्टॉमिक पाउडर या हाजमे का सफूफ, या उनको भूख ना लग रही हो या बदहजमी हो, कोख ना निकाल रही हो, चारा रगबत से ना खा रही हो ये बकरियां और जानवर, तो उनके लिए मैंने एक सफूफ बनाने के लिए फार्मूला दिया हुआ है। वो सफूफ बना पर। जी मेरा बेटू, सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, यूट्यूब पर दिया हुआ आपने? जी यूट्यूब पे नहीं है तो आप अगर लिख सकती हैं तो अभी लिख लें। जी सर आप बताएं, मैं लिख लेती हूँ, हाँ मेरा बताइए। मेरा बेटा आप लिखें, एक ही है या और भी हैं कोई जानवर बकरियां रखी हुई? उसने तो माशाल्लाह दो बच्चे दिए हैं, बहुत वेर परेशान थी वो भी, यही उसके साथ भी मसला था, पर अल्लाह का शुक्र है अब वो यानी के फारिग होने के बाद, यानी डिलीवरी होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे भी सेट। वेरी गुड मेरा बेटा, उसका भी देखभाल के लिए मेरे प्रोग्राम्स देखती जाएं। आगे मैंने इनकी दूध पीते हुए जो मेमने होते हैं उनके लिए भी बाकायदा राशन, उनको कहते हैं वीनिंग डाइट, वो भी दे रखी है, उसका फार्मूला भी देख लें। वो बना के इनको 120 दिन तक तो दूध पिलाएं ना, या उसके दौरान जी भी आप अगर दूध कम हो तो वो वीनिंग डाइट है, दूध पीते बच्चों का वो भी उनको खुराक देते हैं, वो भी मैंने दे रखा है, वो आप देख लें ये। लेकिन नहीं, सर, बच्चे जो है ना वो मिट्टी भी थोड़ी सी खाते हैं। मेरा बेटा मट्टी खाते हैं तो उनकी बाकायदा डीवर्मिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं, किस चीज की करते हैं, वो भी मैंने दे रखा है। लेकिन उसकी माँ की अच्छा कर अच्छा दें तो ज्यादा बेहतर होता है कि माँ के दूध से उसको असर पहुंच जाता है, तो माँ की भी डीवर्मिंग कर दें। और ये है कि ये इस हाजमे का वाला सफूफ वो भी बना लें, ठीक है? लगता है आप मेरा बेटा जी सर पहली दफा फोन कर रहा है मुझे। जी सर सर मैं बहुत परेशान थी तो मैंने वो वही लिखकर मेरा पहले उसी पे आ बेटा, गई मैं यूट्यूब तो पर। कराची तो पूरा भरा पड़ा है, इतने कॉल्स आती हैं, इतने प्रोग्राम्स, आप सिर्फ कराची लिखें, बकरी सर मैं लिखें तो आ आपका जाएगा। कॉल मैं इतना याद रखूंगी कि बस अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, परवरदिगार इतनी दूर से मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं खुद एक मेरा गरीब हूँ, बेटा आप गरीब हूँ। मेरी बेटी हैं, दुआ कर सकती हैं आप, मैं भी दुआ करूंगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इस तरह करें, पहले तो 100 लिख इंशाल्लाह लें, इनका हाजमे का एक पाउडर बना लें, और इनको अगर वो छोटी छोटी गोलियां बना लें, और एक एक गोली हफ्ते में 2 दफा या 3 दफा दे दिया करें, उससे ये होगा कि इनका हाजमा बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है? जी सर वो आप बताएं मुझे इसके लिख, फॉर्मूला। मैं उसको आपको इंग्रेडिएंट्स दे देता हूं ना, तो आप लिख लें, सौंफ लिख लें 500 ग्राम, 500 ग्राम। जी और काली मिर्च जो स्याह मिर्च है वो लिख लें 100 ग्राम, 100 ग्राम जी जी अजवाइन लिख लें 250 ग्राम, जी सर और एक होती है दो सौ रे पचास 200, 250, जी 250 जी टू सर फिफ्टी आगे। ग्राम और रेउंद चीनी होती है, ये भी पंसार से मिल जाएगी। रेम चीनी हाँ रेउंद चीनी, ये भी 250 ग्राम। तो सर ये वो ब्राउन शुगर तो नहीं है? जी बेटा सर ये ब्राउन शुगर तो नहीं 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 है, नहीं नहीं रियोन का ये अच्छा। आप पंसार से जाएंगे तो वो बड़ी बड़ी चीजें होती है वहां, उनका वो अच्छा आपको वहां से मिल जाएगी, रेयोंद चीनी। सॉरी आज मैं थोड़ा सा ग्लूमी था, लेकिन नहीं तो मैं क्यों, मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जो मेरा बेटा, बहुत ही ज्यादा लंबी हमारी दोस्ती थी, रफाकत थी, को 40 ईयर से ज्यादा की, तो वो उनकी डेथ हो गई, तो मैं उधर गया हुआ था, इन्ना तो लिल्लाह इन्ना मैंने लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना, लेकिन मैंने चूंकि लोगों के साथ मेरी बेटे कमिटमेंट है, ऐसे तो नहीं लोग दुआएं देते, और दुआएं मैं छोड़ता छोड़ता नहीं हूँ, और जब दुआएं दुआएं जी और सर बार दफा रो पड़ता हूँ जब वो लोग फार्मर्स मुझे कहते हैं कि नहीं जी आप हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के
छोटे किसानों के डॉक्टर कदीर हैं, तो मैं रो पड़ता हूँ उस पे, अल्लाह ताला कबूल करे, मैं बेलौस खिदमत कर रहा हूँ मेरा बेटा। तो आप ये लिख लें, जब आपकी अगर बकरियां ठीक हो जाएंगी या बच्चे, तो मुझसे और ज्यादा खुशी मुझे किसी को नहीं हो सकती जितनी मुझे होती है। अब वो एक बच्ची है, वो काल आप देखेंगी ना प्रोग्राम, वो गालिबन पंजाब से है, वो उनकी बकरी की नजर खत्म हो गई हुई थी, नाबीनी हो गई थी, तो वो उसकी नजर लौट आई ना वापस, बिनाई लौट आई, तो वो इतनी खुश थी, लेकिन उससे ज्यादा मैं खुश हुआ। इसी तरह एक और है, वो रहीम यार खां से, उनकी भैंस की वो बिनाई लौट आई, वो मैंने कहा तेरे, मैंने तो दवाइयां देनी होती हैं ना मेरा बेटा, असल असल चीज है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात ही बीमारी भी वो देती है, शिफा भी वो देती है, अल्लाह की जात है, उसके अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं, ये ऐसे टकरे इधर उधर मार रहे हैं, और कोई छल्ले डाल रहा है, कोई अंगूठियां डाल रहा है, प्राइम मिनिस्टर छल्ला डाल रहा है, वो मैंने कहा ना अंगूठी ना छल्ला, सिर्फ एक अल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह ही ठीक करता है। ठीक है मेरा बेटा, तो आप फिक्र, रियोंद चीनी मेरा बेटा 250 ग्राम, टू फिफ्टी मीठा सोडा ले लें 200 ग्राम, नमक स्या काला नमक होता है वो लिख, वो भी 250 ग्राम। एक ठंडा गर्मी का मौसम है इसमें, ये भी बड़ा हाजमे बड़ा कामयाब चीज है, होती बड़ी कड़वी है, चरायता इसका नाम है, चरायता, ये भी पंसार से मिलेगा, ये ले लें ये, हाँ चरायता, ये 200 ग्राम जी मेरा बिट्टू, ये इनको सब का सफू बना लेना है, और फिर सफेद नमक भी डाल लेना है 250 ग्राम, और इसके अंदर अगर सफेद जीरा भी डाल लेंगी तो ये एक तो हाजमे भी फायदा देगा, और आइंदा ये बकरियों का दूध भी बढ़ेगा। ये 250 ग्राम इसमें सफेद जीरा भी डाल लेना है, और फिर गुड़ ले लेना है या शक्कर ले लेनी है, वो हसबे जरूरत, वो मेरा बेटू, वो ये सब का सफूफ जब बन जाएगा, वो गोलियां बना लेनी है गुड़ से, अगर खुदा ना खास्ता नहीं आपसे बन पाती तो कोई बात नहीं, ये सफूफ को ही पानी में घोला, वो पिला दिया, वो नॉट मोर देन, हाँ ये यही मैं बताने लगा हूं मेरा बेटा। ये एक लाड़काना से काल थी, उसने तो बकरी मार दी बच्चे बंदे ने, वो मैंने कहीं वो भैंस को जो दिया हुआ था 100 ग्राम, उसने बकरी को दे दिया तो बकरी मर गई, तो ये तो नहीं ना होना चाहिए, उसको 20 ग्राम से ज्यादा नहीं देना, बड़ी बकरी है बकरी 20 ग्राम। टेबल स्पून नहीं है जो आप चावल खाती हैं, उससे दो चम्मच ले लिए, बस दैट्स ऑल, दो चम्मच ज्यादा नहीं, दो चम्मच उसके दो जी मेरा बेटा, ये 2 दिन हफ्ते में 2 दफा, हफ्ते में 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन मेरा बेटा, 2 दिन देंगी ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बाकी जो मट्टी खाती हैं उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि डी वर्मिंग करें इनकी, और खास तौर की माँ की करें, बच्चों की नहीं, बच्चे तो छोटे हैं ना, लेकिन वो दूध के जरिए असर आएगा उनमें, ठीक है, और उनको आपने डी वर्मिंग कर दें। एक मिल जाता है एंडो प्लस, एंडो प्लस से उनकी कर दें डीवर्मिंग बकरियों की, ना हो तो नीलवर्म मिल जाता है, नीलवर्म, नीलजान नहीं, प्लस नहीं लेना, वो बड़े जानवरों के लिए, छोटे जो होते हैं बकरियां ये रूमिनेट्स हैं, उनके लिए ऐसी चीज देनी है मेरा बेटा जिससे नुकसान ना हो।
ठीक है, और उनके अंदर से सारे क्रम खत्म हो जाए, वो खत्म होंगे, और इनको जब कैल्शियम का सोर्स बढ़ाएंगी, आप विनिंग डाइट देखें ना दूध पीते हुए बच्चों का फार्मूला, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, अभी ये सर? काल सा अच्छा, और भी यार, वो ये स्वीडन। सर सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सर छोटी सी रिक्वेस्ट पूछनी है कि जी भाई, इसको फ्रूट दे सकते हैं या दूध दे सकते हैं खाने में, जो अभी यानी कि जिसकी डिलीवरी रहती है 1 वीक रहते हैं, नहीं किसकी बात कर रहे हैं, किसको देना है? वो सर जो अभी मैंने पहले आपसे बात की थी ना, जिसको आपने कहा था कि इंजेक्शन मेथोवेल लगाएं, हाँ, उसकी बकरी बात जो कर रहे हैं बैठ कि गई उसको है, दूध वगैरह जो दे सकते हैं? जो बकरी बैठ गई है, उसको मेरा बेटा, उसको आम जो खुराक उसके लिए है, आप वो तो दें ना, उसको खुराक दें, उसके अंदर आपको मैंने कहा कौमी कैल्सी विट 20 ग्राम, 20 ग्राम वो शक्कर में मिला के, वो तो अभी देंगे तो उसको ताकत आएगी। ठीक है, सर और फिर दूध वगैरह देना है ना उसको, या दूध जो है वो वो अगर आपने, अगर ना उठ रही हो तो दूध भले दे सकते, दूध में थोड़ा एक अगर हल्का सा शहद की एक चम्मच डाल लें, और बाज़ औक़ात तो सर्दियों में तो मैं, या और भी मैं ये कहता हूँ कि एक अंडा फेंट के वो इसके अंदर वो पिला दें इसको, तो उससे ये होता है ताकत आती है उसको, वो आ जाएगी, प्रोटीन भी मिल जाती है ना, और कैल्शियम का सोर्स भी होता है अंडा, उसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, और उससे फर्क पड़े मेरा बेटा। मेरा बेटा इसके अंदर ये आप अपनी यहाँ के खुराक तो ना इंसानों वाली ना बनाए, कैल्शियम भी दें, नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वो जर्दी कैल्शियम समेत, अंडा जो आप कह रहे हैं ना, सर क्या जर्दी सर जर्दी समेत दें मेरा बेटा अंडा, अगर देना सर है अच्छा अच्छा अंडा थैंक यू सो फैंट मच करना सर, है, जल्दी अंडा फैंट करके आप जर्दी समेत उसको भी दें और खुद भी खाएं, आपके लिए भी फायदेमंद है, दूध पिए खुद भी सर, पिए। आपका मेडिकल बंद हो जाएगा सर, मैं मेडिसिन मंगवा लूँ, फिर मैं आपसे कंफर्म ओके, करके बात अल्लाह करूँ, हाफिज मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद दुआओं में रखिएगा याद रखे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू हरेरा रज़ील्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नमाज में कोख पर हाथ रखने से मना फरमाया गया है, ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें, फी मान अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।